स्वागत है आपका इंडिया न्यूज डिजिटल पर, आपके साथ मैं अंजलि मित्तल। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला देते हुए कुछ राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका दिया गया है, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर आई है, जिस पर खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से हैरानी जताई गई है। आज आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बड़े स्तर पर जश्न होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोरों पर की गई है। अरविंद केजरीवाल भी इस जश्न का हिस्सा बनेंगे, शामिल होंगे, साथ ही साथ बधाई देने वालों का तांता भी लगा है आम आदमी पार्टी को। और इसके पीछे की वजह यह है कि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग की तरफ से आम आदमी पार्टी को दे दिया गया है। देखिए, हमारे देश में तीन अलग अलग तरह की पार्टीज होती है। एक होती है राष्ट्रीय पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी, जो कि पूरे देश भर में एक्टिव होती है। दूसरी होती है राज्य स्तरीय पार्टी यानी कि जो कुछ राज्यों तक सिर्फ सीमित रहती है, नेशनल स्तर की पार्टी नहीं है, हर राज्य में नहीं है, कुछ राज्यों में है। नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी, इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के अलावा क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी वो होती है जो कि राज्य के भीतर किसी क्षेत्र तक सीमित रहती है। तो तीन अलग अलग तरह की पार्टीज होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, बीएसपी के अलावा, अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। बड़ा झटका चुनाव आयोग की तरफ से ममता बनर्जी की पार्टी को दिया गया, शरद पवार की पार्टी को दिया गया। सीपीआई, टीएमसी, एनसीपी को बड़ा झटका देते हुए इनसे राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस ले लिया है चुनाव आयोग ने, यानी कि ये अब राष्ट्रीय पार्टियां नहीं कहलाएंगी। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आखिर कैसे बनती है, तो इसके कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें क्या होती है प्रमुख, वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। कोई पार्टी तीन राज्यों के लोकसभा चुनाव में अगर 2% सीटें लाती है, लोकसभा चुनाव में अगर 2% से ज्यादा सीटें किसी पार्टी की होती है, तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है। चार लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 या इससे ज्यादा राज्यों में 6% वोट जुटाए, यानी कि कुछ वोट शेयर का पूरा खेल रहता है। वोट शेयर के हिसाब से ही किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाता है या फिर उसे अधिकार राष्ट्रीय पार्टी का दिया जाता है। कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अगर मान्यता रखती है, तो फिर उसे राष्ट्रीय पार्टी बना दिया जाता है, यानी कि 4 से 5 राज्यों में अगर कोई पार्टी है और अच्छा कर रही है, वहां पर सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा की हो, विधानसभा में हो, तो फिर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। और यही वजह कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आम आदमी पार्टी को मान्यता देती है राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, जबकि सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अब अमान्य करा दिया गया है, अब ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहलाएंगे।